हमारे मामा को तो हमारी सारी महिलाएं जिता देंगी। अच्छा, और बाकी वोट बैंक की तो जो दिक्कत ही नहीं है। शिवराज जी हमारे बच्चों का मामा है, तो हमारा तो साला हुआ ना। अच्छा, हाँ अच्छा चल रहा है, साले का बढ़िया काम चल रहा है। साला काम वाम कर रहा है? अरे करता है काम भैया, एक नंबर। जब कमलनाथ की सरकार आ ही नहीं रही तो गिराएंगे कहाँ से? कमलनाथ का तो कुछ नहीं होना, जिनको वो आपस में लड़ने से फुर्सत मिले तब तो वो आ गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज पेपर में। मैं हूँ आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। मध्य प्रदेश की चुनावी यात्रा कवर कर रहे हैं। लगभग हर सीटों पर ऐलान हो चुका है कि कौन विधायक इस बार बनने वाला है या नहीं होने वाला है, कैंडिडेट का ऐलान हो चुका है। अब उसी को लेकर चर्चा ये हो गई है कि इस वक्त जो है अशोकनगर विधानसभा में कौन आने वाला है, क्या सरकार के काम काज रहे हैं, उन सब पर चर्चा होगी। तमाम जो है भाई यहाँ पे जुड़ चुके हैं, उन सबसे बातचीत होगी। मुस्लिम समाज के भी लोग जुड़े हुए हैं, बातचीत करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि बताइए कि कैसा हाल चाल रहा है। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता है। और क्या करते हैं गुप्ता जी? मैं प्राइवेट दुकान करता हूँ, बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, तो बताइए इस बार माहौल किधर जा रहा है? जज्जी भाई साहब के फेवर में माहौल है, और किसी का कोई काम ही नहीं है इसमें। जज्जी भाई साहब के अलावा और कोई यही नहीं। कुछ क्या काम कर दिया ऐसा मामा कमलनाथ ने? नहीं किया कुछ? नहीं, मामा से मतलब नहीं, हमें हमारे क्षेत्र की बात करते हैं हम। हमारे क्षेत्र के लिए जज्जी भाई साहब दो बार नगर पालिका अध्यक्ष रहे, सड़कों के क्षेत्र में ही वो बहुत क्रांति लाए थे, और अभी भी हर क्षेत्र में वो काम करते ही रहते हैं। अभी एशिया की तीसरी सबसे बड़ी मूर्ति जो लगवा रहे हैं, वो भाई साहब की मेहनत का ही प्रयास है। भले पूरा जन सहयोग से लगवा रहे हैं, लेकिन एक आगे आदमी होना चाहिए। अच्छा। हाँ जज्जी भाई, विधायक जी उसमें सहयोग कर रहे हैं? विधायक जी पूरी तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं, और वो ही पूरे लोगों को इकट्ठा करते हैं। अच्छा, बढ़िया काम हो रहा है। कमलनाथ भी इस बार दावा कर रहे हैं उखाड़ फेंके। कमलनाथ का तो कुछ नहीं होना, जिनको आपस में लड़ने से फुर्सत मिले तब तो वो आ गए हैं। आपस में लड़ पर हो रहा है, वो आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, फिर क्या लग रहा है इस बार? इस बार भाजपा की सरकार बनेगी और जज्जी भाई साहब मंत्री बनेंगे। मंत्री बनेंगे। विजय सिंह देख रहे हैं क्या क्या बोल रहे हैं? अरे दिग्विजय सिंह के तो और ज्यादा बोले, इससे ही तो हमें फायदा होगा, इससे ही तो भाजपा को फायदा होगा। अच्छा, दिग्विजय बोल रहे हैं इससे फायदा होगा? हाँ, जितना बोलेंगे ज्यादा उतना फायदा भाजपा को होगा। और कमलनाथ जो बोल रहे हैं अखिलेश को देख रहे हैं? अखिलेश यादव भी तो उनके विरोध में हुआ है ना। अखिलेश यादव से उन्होंने कमिटमेंट कुछ किया था, और कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं वो, जिता ही नहीं दे रहे हैं। अरे बिल्कुल, वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं अखिलेश यादव का। इससे यादव समाज भी विरोधी होगी, वो भी भाजपा में आएगी। अब क्या लग रहा है कि ज्यादा अब घमंड आ गया क्या? अरे कमलनाथ को तो घमंड आ ही गया है। उनको केवल हवा में रूमर देख के अपनी सरकार की वो कर रहे हैं कि हमारी सरकार बन गई। अच्छा, हाँ क्या नाम हुआ आपका? घनश्याम सेन। ये बताइए माहौल किधर जा रहा है? माहौल बीजेपी तरफ जा रहा है। क्योंकि 1,30,00,000 महिलाओं को लाड़ली योजना का फायदा मिला है। जन जन को कुटी मिली हुई है। अच्छा। विकास हुआ है। लगभग देश तरक्की कर रहा है, प्रदेश तरक्की कर रहा है। अच्छा जी, तरक्की कर रहा है। तो कमलनाथ तो दावा कर रहे हैं कि इस बार सरकार बना रहे हैं। कमलनाथ तो आएंगे, अभी सरकार करंट में सरकार बीजेपी की है, वही चलेगी, यथावत वही रहेगी। कमलनाथ इस बार जो दावा कर रहे हैं कि उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी, उनके दावे खोखले हैं। खोखले हैं जी। 500 सिलेंडर चाहिए कि नहीं? अरे सिलेंडर 500 जरूरी नहीं है, कार्य अच्छे होने चाहिए। कार्य अच्छे होना चाहिए, सिलेंडर मिल जाएगा। अच्छा जी, महंगा सिलेंडर चल जाएगा? चल जाएगा, लेकिन मामा को लाना है। मामा को लाना है, बढ़िया सराहनीय कार्य किया है। अच्छा जी, क्या नाम हुआ? अनिल कुमार जाट। बताइए भाई क्या हाल चाल माहौल चल रहा है? बढ़िया माहौल है हमारे भैया का, जज्जी भैया का एक नंबर माहौल है। कोरोना काल में सब अपने घरों में सोए थे। जज्जी भाई साहब ने अशोक नगर हॉस्पिटल को नहीं छोड़ा कोरोना काल में। 3 ऑक्सीजन प्लांट दिए हमारे कोरोना काल में अशोक नगर को, जो कभी अशोक नगर में ऑक्सीजन थी नहीं, परेशान होते थे हम लोग। अच्छा। जो विपत्ति में हमारा साथ देगा वो हमारा है। अशोक नगर से सिर्फ एक ही नाम है, जज्जी भैया, जज्जी भैया भाजपा। इतना कह रहे हैं इस बार तो सरकार गिराने की बात कर रहे हैं कमलनाथ, कैसे जिताएंगे? जब कमलनाथ की सरकार आ ही नहीं रही तो गिराएंगे कहाँ से? आना ही नहीं है कमलनाथ जी की सरकार। तो जो कुछ वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सब फ्री फ्री फ्री, वादा तो बहुजन समाज पार्टी भी कर देगी और समाजवादी भी कर देगी, उनके वादे से क्या होता है? लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, किसानों को सम्मान निधि योजना, ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है? सब भाजपा सरकार की देन है, नरेंद्र मोदी जी की देन है, शिवराज सिंह जी की देन है। ये बताइए कि जो कमलनाथ दिग्विजय, इतनी लड़ाई चल रही, टिकटों को लेकर भी लड़ाई चल रही है, उसमें लग रहा है फायदा बीजेपी को होगा? विपक्ष के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, हम सिर्फ एक ही जानते हैं। नहीं, क्या नाराजगी? हमारी भाजपा। हाँ। भाजपा ने सब समाज को लेकर चला है, और भाजपा ही सब समाज को सब कुछ दे रही है। कमलनाथ से प्यार नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते, नहीं करते।
कर लीजिए एक बार, देख लीजिए। नहीं नहीं नहीं, शायद कुछ बढ़िया हो जाए। मामा मामा हमारा है, भाजपा हमारी है। अच्छा, भाजपा अपनी है। अच्छा, क्या नाम हुआ? गजेंद्र लोधी। गजेंद्र भाई बताओ, माहौल किधर जा रहा है? माहौल भाजपा और यहाँ जज्जी भैया। जज्जी भैया? हाँ। जज्जी भैया इतना पसंद क्यों है? क्योंकि वो उनका देखा जाए तो उन्हें विकास के नाम से जाना जाता है। अच्छा। जो पहले दो बार नगर पालिका अध्यक्ष रहे, इस शहर में सड़कों का उन्होंने जाल बिछा दिया। 5 साल ये विधायक रहे, आप क्षेत्र में देखो जिन्होंने उन्होंने जितने भी वादे किए थे लगभग वे पूरे हो चुके हैं। एक दो जो रह गए हैं जो अगले कार्यकाल में होंगे। हम यहाँ ले लें जिला अस्पताल, जिला अस्पताल को उन्होंने कई स्वास्थ्य सुविधाएं दी, लगातार 3 ऑक्सीजन प्लांट, स्वयं के खर्चे से एक सर्वसुदायुक्त आईसीयू वार्ड, शिशु आईसीयू वार्ड, और ऐसे प्राइवेट अस्पताल जैसे आईसीयू वार्ड बनवाए। इसके अलावा सीटी स्कैन मशीन लगवाई और पूरे क्षेत्र में 24 प्राथमिक उपस्वास्थ्य सामुदायिक उपस्वास्थ्य केंद्र बनवाए और एक प्राथमिक उपस्वास्थ्य केंद्र। और शिक्षा के क्षेत्र में हम अगर देख लें तो कई स्कूल बनवाए, जो मॉडल स्कूल के तरह जो थीम दी गई है वैसे बनवाए। अच्छा। हाँ, उसके इतना सब काम कर दिया है तो फिर किसानों के लिए भी, किसानों के लिए सिंचाई परियोजना के तहत 2 जो बांध बनवाए जिनसे एक एक बांध से 10 गांव को फायदा मिलेगा। हाँ। और इसके स्टाफ डैम, कई तालाब, और इसके अलावा गाँव एक दूसरे मतलब पक्की सड़कें, जो जहाँ जहाँ मांग थी सभी जगह पक्की सड़कें डलवाई। तमाम उन्होंने जो विकास कार्य करवाए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अभी इतना काम हुआ है जितना गिना रहे हैं ये? जी जरूर हुआ है। हुआ है जी। ये बताइए फिर माहौल किधर जाएगा इस बार, जो है बीजेपी की तरफ जाएगी या फिर, क्योंकि सुपर साफ करने की बात तो कमलनाथ भी कर रहे हैं। नहीं, बात करने से क्या होता है, जी उठाई तरुआ में दे दी। हमारे विधायक ने कोरोना काल में जब लोग अपने परिवार के साथ हॉस्पिटल नहीं जा पाते थे, तब अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे 2 साल हॉस्पिटल में दूसरों के मरीजों की अपनी जान उनका साथ दिया है। जब हमारे क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित हुए थे लोग, अधिकारी और जो टीम आई थी वो उसमें घुसने से डर रहा है, जब हमारा विधायक उनके आगे चला था। तो मतलब विधायक ही साथ साथ खड़े हैं, तो इस बार साथ में आप भी लोग? जनता विधायक के साथ खड़ी है, विधायक जनता के साथ खड़ा है। अच्छा जी, विधायक जी खड़े हैं आप सबके साथ? जी 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 जी। अच्छा, ये बताइए भैया क्या नाम हुआ बताइए? सतपाल लोधी। लोधी जी ये बताइए कि माहौल तो देखिए, लोग तो बता रहे हैं काम वम हुआ है, लेकिन कमलनाथ भी बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं कि इस बार सरकार को गिरा देंगे, काम नहीं हुआ है। पिछली बार भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। हाँ। कोई दावा पूरा नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, सरकार बनी थी। हाँ। काम हुए थे क्या जनता के? अच्छा, और क्या। एक सवाल ये है कि बड़ा जो है आरोप ये लगाया जाता है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति बीजेपी करती है मध्य प्रदेश में, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये हमारे सामने सब हमारे मुसलमान भाई खड़े हैं, जरा कैमरा घुमाया भाई, जा रहे हैं, पूछिए इनसे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाकिर। हाँ भाई, ये बताओ कि कैसा माहौल चल रहा है? मामा के बारे में ये कहा जाता है कि बड़ा मुस्लिम के साथ में भेदभाव कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमारी राय ये है कि जो हमारा अपना है, हमारे जज्जी भैया विधायक सर हैं और उनके जो हम देखा जाए ना, हमारे लिए जो मतलब जो हेल्प मिलती है, हमारे लिए कोई भी समस्या होती है तो हम उनसे डायरेक्टली बात करते हैं। ऐसा नहीं करना पड़ती कि जैसे भाई आपसे बात करने के लिए इनसे मिलो उनसे मिलो, तो हम एक अपना समझ के बात करते हैं उनसे, और कोई भी हमें वो चीज़ मालूम नहीं होती जैसे हम आपसे बात करने के लिए वो करना पड़ती है, तो हमें एक अपना अपन महसूस होता है उनके। अच्छा। और हमारी राय ये है कि हमारे जज्जी भैया बस। जज्जी भैया जी भैया, ये बताइए कि मध्य प्रदेश में मामा का काम काज कैसा रहा है? देखो सर, हमें किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है। हाँ। हमारी राय ये है सिर्फ जज्जी भैया बस। जज्जी भैया बेस्ट हैं? जी भैया जी। क्या कह रहे, नाम क्या हुआ? जज्जी भैया। जज्जी भैया को जिता। अपना नाम तो बता दो। शाहरुख। शाहरुख, ये बताओ क्या काम करते हो? काम? हाँ, दरी कम्बल का। अच्छा, ये बताओ कि मध्य प्रदेश में मामक सरकार आ रही, वापसी हो रही है? हाँ, वापस आ रही है, बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को परेशान तो नहीं किया जाता? कांग्रेस वाले कहते हैं बड़ा बीजेपी परेशान करती है मुसलमानों को। नहीं करती। नहीं करती है? बीजेपी सही है। बीजेपी सही है। हाँ। क्या क्या काम कर दिया है? बहुत काम करे हैं बीजेपी ने, कुटी दिलवाई है। हाँ। और बहुत से काम है जो बीजेपी ने करवाए। अच्छा। हाँ, ये बताइए कांग्रेस वाले जो कहते हैं कि काम मुसलमानों को परेशान किया जाता है, मुसलमानों की हितैषी है, बस कांग्रेस है, ऐसा कुछ है क्या? उनका तो कहना ही कहना है, बाकी सब बीजेपी है। सब बीजेपी है? बीजेपी। बीजेपी चंगा है? बीजेपी करेगी। हाँ। जीतेगी बीजेपी।
अच्छा हाँ बढ़िया एकदम चल रहा है। हाँ आएंगे बीजेपी मामा। हाँ कमलनाथ का क्या है? नहीं आएंगे कमलनाथ, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। क्या नाम हुआ? रोशन जैन। अच्छा बताइए क्या हाल चाल लग रहा है इलाके में? हाल चाल भाजपा का लग रहा है। भाजपा का? हाँ। कांग्रेस का नहीं लग रहा है? नहीं नहीं है कोई। हमें तो कांग्रेस का लग रहा है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। झूठ बोल रहे हो? नहीं झूठ क्यों बोलेंगे। हाँ। जज्जी भाई साहब जिंदाबाद। अच्छा कमल का फूल जिंदाबाद। अच्छा हाँ और क्या जिंदाबाद? मामा मामा जीतेगा, क्यों नहीं जीतेगा, मामा तो जीतेगा। मामा जीतेगा? हाँ सरकार बनाएगा मामा पक्का 100%। झूठ तो नहीं बोल रहे ना? झूठ क्यों बोलेंगे, भाजपा का गढ़ है वो भाजपा ही जीतेगी। क्या क्या काम कर दिया भाजपा ने? काम क्यों नहीं किया, विधायक जी ने बहुत काम किए हैं। पूरे शहर में क्या काम कर दिया पूरा? हाँ आप देखो भाजपा क्या काम, पूरे रोड डल रही है, डामर पहले गड्ढे थे सब थे, पूरा काम किया है। अच्छा सब बढ़िया काम हो रहा है? हाँ सब बढ़िया काम। ये कह रहे हैं कमलनाथ तो जो है इस बार जो है उखाड़ फेंक देंगे बीजेपी को, इस बार जो है सरकार नहीं बनेगी, भ्रष्टाचारी है बीजेपी। कहाँ से भ्रष्टाचारी है, ऐसे 18 साल 20 साल हो गए भाजपा को, अगर भ्रष्टाचारी होती तो 5 साल में उखाड़ के फेंक देती जनता। कह रहे हैं कि विधायकों को खरीद लेते हैं बीजेपी वाले। कहाँ पे होती है करत परोज 70 साल में भेजा कर। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ? अशोक जैन। ये बताइए जैन साहब क्या करते हैं? मैं गल्ले का काम करता हूँ। बताइए भाव बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। और मामा का भाव कैसे चल रहा है? मामा का ठीक चल रहा है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। और कांग्रेस वाले ये क्या कह रहे हैं? थोड़ी मामा तो हमारा साला है, हमारे बच्चों का मामा है, हमारा तो साला है शिवराज भाई। अच्छा हाँ जी आपका साला हो गया? साला हो गया शिवराज जी, हमारे बच्चों का मामा है तो हमारा तो साला हुआ ना। अच्छा हाँ अच्छा चल रहा है साले का, बढ़िया काम चल रहा है। साला काम वोम कर रहा है? अरे करता है काम भैया, एक नंबर। सुनता है? हाँ सुनता है ना। क्या क्या सुना? अरे सभी सुनता है, उसकी तो पूरे देश भर में ही जाती है खबर। आप कह रहे हैं सुनने की, मामा एक नंबर। कमलनाथ भी कह रहे हैं किस बार जो है फेंक देंगे उखाड़ फेंक देंगे। देखो असंभव है, हमारे इधर से नहीं है तो भाजपा का गढ़ है। अच्छा जी सच में बता रहे हैं? अरे आपसे बोल रहे हैं ना भैया, ये भाजपा का गढ़ है, विदिशा अशोक नगर बासोदा गुना, ये तो वहाँ के मूंछ के जीतती है फूल। अच्छा जी कांग्रेस वाले फिर कैसे कह रहे हैं कि जो है इस बार? हाँ। देखेंगे तो अभी बाद में देखें, देखेंगे अभी मतदान के बाद। क्या क्या फायदा मिला क्या आप? अरे बहुत कुछ तो मिल रहा भैया, हमें भी बता दें क्या नहीं मिल रहा आप जो बताइए। सब चीजें मिल रहा है, लाडली बहना हो रही है और भी है, गेहूँ फ्री है, सिलेंडर में कमी है, सब सब कुछ फ्री है। 500 रुपए सिलेंडर तो अब कमलनाथ भी देंगे? अब देंगे, अब वो आएंगे जब ही तो दे पाएंगे, वो थोड़ी आएंगे भाई, चक्कर तो ये है ना उनकी जय आएंगे, उनका आने का असंभव है। हाँ शिवराज सिंह जिंदाबाद। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद सुराना। सर क्या बताइए क्या काम काज चल रहा है इस समय सरकार का? बढ़िया काम काज है? हाँ बढ़िया, एक नंबर काम चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, शानदार। क्या क्या चल रहा है, क्योंकि देखिए बड़ा दावा कर रही है कांग्रेस भी कि इस बार जो है उखाड़ फेंकने की बात कर रही है। ये बात कर रही है लेकिन वो तो बात की बात है। हाँ। लेकिन फिलहाल अच्छी पोजीशन है मामा की और भाजपा की, सरकार पोजीशन बढ़िया है, ठीक है एक नंबर। आप लोग तो बोल रहे हैं पूरा मध्य प्रदेश का क्या माहौल दिख रहा है, यहाँ से मान लीजिए निकाल देंगे पूरा मध्य प्रदेश का क्या हाल चाल? यहीं से निकल जाए और मध्य प्रदेश के थोड़ी ठेके जा रहे हैं। हाँ। हमारा विधायक जीतेगा अशोक नगर से। अच्छा हाँ, जैसे सरदार वल्लभ भाई लोह पुरुष के नाम से जाना जाते हैं ना, ऐसे जसपाल सिंह जज्जी विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। यहाँ ना भाजपा ना कांग्रेस, यहाँ जसपाल सिंह जज्जी चुनाव जीतता है और जीतेगा, वो कहीं से भी खड़े हो जाए अशोकनगर जिले, अशोकनगर से चुनाव जीतेंगे 100% चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस होंगे तब भी जीताओगे? कांग्रेस होंगे तब भी जीतेंगे, वो तो जीतते ही हैं, वो जीत उनकी पक्की है। मैंने अभी ये बोला था ना आपसे, ना कांग्रेस ना भाजपा अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो 100% श्योर जीतते हैं। क्या लग रहा है जज्जी जी का काम बढ़िया है? जी जो विकास करता है उसका काम तो दिखता है, जज्जी भैया ने विकास किया पूरे शहर में। तो हमारा पर्सनल है जज्जी भाई किसी से भी खड़े हो जाए वो जीतेंगे। अच्छा जीत जाएंगे जी, कांग्रेस से भी खड़े हो जाए? कांग्रेस किसी भी पार्टी निर्दलीय खड़े हो जाए तो निर्दलीय भी जीत जाएंगे। अच्छा बिल्कुल, कितना काम करते हैं उन्होंने कोरोना के समय? कोरोना के समय शहर में विकास हुआ है कंटिन्यू, 2 महीने हॉस्पिटल में खड़े रहे, मतलब जनता की सेवा की। अच्छा। अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं की। हाँ। अच्छा स्वास्थ्य दिया जनता के लिए। अच्छा। उपचार अच्छा करवाया, कंटिन्यू 2 महीने खड़े रहे हॉस्पिटल में। अच्छा। जिस दिन एक बार यहाँ 35 लोग मारे थे। हाँ।
कोरोना से। उस दिन विधायक हॉस्पिटल में खड़े थे, मतलब डरे नहीं, वो जनसेवक है, वास्तव में जनसेवक है। आपके विधायक जी का क्या रिपोर्ट कार्ड है भैया? 10 on 10 पहले बता दो। अंकित गर्ग। हाँ अंकित भाई बताओ, क्या हाल चाल लग रहा है माहौल? बिल्कुल बढ़िया माहौल है, 10 on 10 है उनका रिकॉर्ड। सच में बता रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। या फिर यहाँ पे सब साथ खड़े हैं इसलिए? नहीं 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 नहीं, आप शहर के किसी भी बच्चे बच्चे से पूछ लो, जज्जी भैया ही नाम लेगा और कोई नाम ही नहीं लेगा। अच्छा, इतना क्या काम कर दिया है जो जज्जी भैया? बहुत काम किया है। आप किसी भी कांग्रेसी से पूछना, उनका कोई भी कैंडिडेट पूरे जिले का अस्पताल में कभी खड़ा मिला? दो साल कोरोना से लड़ते हुए हो गए, कोई भी एक बंदा अस्पताल में उनका खड़ा हुआ मिला? वो 24 घंटे अस्पताल में खड़े रहते थे, 24 घंटे। मामा का क्या रिपोर्ट कार्ड है? वो भी 10 on 10 है। अच्छा बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले देख रहे हो क्या क्या बोल रहे हैं इस समय? हमारे मामा को तो हमारी सारी महिलाएं जिता देंगी। अच्छा, और बाकी वोट बैंक की तो जो दिक्कत ही नहीं है। पुरुष क्या करेंगे? पुरुष तो फिर दे ही देंगे वोट। महिला इतना इतना विकास कर रहे हैं और क्या जरूरत है? विकास किया है। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम सेवा रघुवंशी। रघुवंशी भाई बताओ कि क्या हाल चाल चल रहा है? मामा का बढ़िया चल रहा है, इलाके में क्या माहौल चल रहा है बीजेपी का? माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है अशोक नगर जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में। हाँ। भारतीय जनता पार्टी 5वीं बार फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो है भ्रष्टाचार बड़ा हो रहा है, जो है कांग्रेस वाले यही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी हो गई है सरकार। मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ और पूरा सुनार भी इस चीज गवाह है, पूरा मध्य प्रदेश गवाह है। हाँ। कि माननीय बंटा ढार हमारे दिग्विजय सिंह जी। हाँ। का 2003 से पहले का। हाँ। जो कुशासन था। अच्छा। वो भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। हाँ। और असुनार की जनता ने देखा है। हाँ। और आज। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हाँ। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हमारा मध्य प्रदेश और हमारा देश एक वैभवशाली और गौरवशाली इतिहास रच रहा है। पूरे मध्य प्रदेश की जनता इस बार 5वीं बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। ये बताइए कि कांग्रेस का कौन सा नेता लग रहा है कि ये इसी की वजह से बंटा धार हो रहा है कांग्रेस का, नहीं तो ये बेड़ा इसका नहीं लग सकती है? वही माननीय हमारे। हाँ। पास में जिला है हमारा राधोगढ़। अच्छा। वही है, उनका कुशासन देखा है और आज का सुशासन भी जनता देख रही है। अच्छा। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं। बड़ा ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है मामा और बीजेपी सरकार, बड़ा हिंदू मुसलमान करती है जो है, तो लग रहा है कि इस बार मुस्लिम किधर रहेंगे? ये तो हमारे इस बार मुस्लिम भाई खुद बता रहे हैं। हाँ। कि कांग्रेस। हाँ। सिर्फ मुस्लिम और हिंदुओं की बात करती है। हाँ। जबकि हमारे मुस्लिम भाई आज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी। हाँ। मुस्लिमों से कोई भेदभाव नहीं किया, जो योजना हिंदुओं के लिए चल रही है। हाँ। उनका लाभ हमारे मुस्लिम भाइयों को मिल रहा है, ये खुद बोल रहे हैं मुस्लिम। अच्छा। भाई सर क्या नाम हुआ? महेश राठौर। अच्छा राठौर साहब, ये बताइए कि माहौल क्या चल रहा है मध्य प्रदेश का, क्योंकि चुनाव तो अब आ गया है, कैंडिडेट भी घोषित हो चुके हैं, माहौल किधर जा रहा है? माहौल बीजेपी पक्ष में जा रहा है। हाँ। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। हाँ। उनके नेतृत्व में। हाँ। पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी परचम बहुमत से सरकार बनेगी और हमारे विधायक इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है सोनगर में। अच्छा। हाँ, इस बार एक तरफा लहर है सोनगर में। हाँ। जिसकी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 धारा हटाई है। हाँ। राम मंदिर बनवाया है और जो मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजना चल रही है, लाडली बेटी बहना भी जो 3 महीने चल रही है, इसने पूरा प्रभाव बदल दिया है। और सोनगर में तो रिकॉर्ड तोड़ जीत होने माननीय हमारे विधायक बड़े भाई जसपाल सिंह जज्जी की, कम से कम नहीं तो 40-50 हजार के बीच में रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई भाजपा की। कांग्रेस वाले तो फिर कह रहे हैं कहा है कि जो है कहीं दिखाई नहीं रहा परचम हमें। हाँ। कहीं परचम ही नहीं दिख रहा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का। हाँ। ये परचम कहीं नहीं दिख रहा है। हम कम से कम नहीं, मैं डेली। हाँ। 3-4 गाँव भ्रमण कर रहा हूँ, 4-5 कॉलोनी में जाता हूँ, कपड़े का बिजनेस करता हूँ, हर बार मेला और मेला की बात पुरुष के अंडर मेला रहती है। हाँ। तो पुरुष के अंडर मेला बात जन आज ये नौजवान चल रही है, नारी शक्ति चल रही है। हाँ। नारी शक्ति की बात पुरुष ऑटोमेटिक मानता है। अच्छा। हाँ, ऑटोमेटिक। नारी शक्ति क्या कह रही है? नारी शक्ति कह रही भाजपा बीजेपी बात जो प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी जी जो हिंदू तत्व की बात करते हैं, हिंदू हमारे हैं पूरे सारे जो या अभी तो कुछ बाकी हैं, उनने कल बताया ग्वालियर में कि मैंने कुछ मुद्दे इतनी बड़ी लिस्ट है उसमें से 20-25 मुद्दों पर मैंने कर दिए। आज 20-25 मुद्दे बाकी हैं, मथुरा बाकी है, काशी बाकी है। जो मामा कमलनाथ में क्या लग रहा है कि माहौल किधर दिख रहा है? मामा तरफ माहौल दिख रहा है पूरा। हाँ,
क्या काम कर रहे हैं ऐसा बढ़िया? पूरी जानकारी आज क्यों जितनी उतनी चल रहा है, आज बेटी जन्म लेती है और बेटी की ब्याह तक पूरी जिम्मेदारी मामा ले हैं। अच्छा, हाँ, लाने लिखाने की ये सब हो रहा है पूरा पूरा भी जाना। आज घर घर में कहते हैं हर सुविधा मिल रही है, हमारे जहाँ आप बात करो हमारे विधायक जी ने बहुत काम किया सोनगर में। अच्छा, क्यों? जब कोरोना काल चल रहा था हमारे विधायक जी का सोनगर में थे कि जिनने लाखों जाने बचाई है, हम कौन कौन पीड़ित हो गए थे, हमारे साथ में मिलकर इतने कोरोना में 3 प्लांट है हमारे मध्य प्रदेश, कई प्लांट नहीं है, ऑक्सीजन दूसरे जिले में जा रही है ऑक्सीजन। अच्छा, हाँ, 3 प्लांट सुंदर मत पर उस क्रम अस्पताल में खड़े थे एक तरफ विधायक। तो कांग्रेस वाले सब साथ आ गए हैं, कह रहे हैं कि इस बार जो है कैंडिडेट जो उतार रहे हैं, लोग हमारा प्रचार करने के लिए तैयार हैं, आप बात कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस के लोग हमारे प्रचार करने के लिए बात कर रहे हैं, हमारे प्रचार करने में लोग तैयार हैं, कांग्रेस के लोग उसका क्या होगा? 27 तारीख हमारा यहाँ भाजपा वाले कांग्रेस में जा रहे हैं, उनका क्या होगा? 27 तारीख जब महाराज आएंगे 50-60 लोग कांग्रेस रास्ता ग्रहण करेंगे भाजपा। हाँ, सिंधिया जब आएंगे, जब कांग्रेस खत्म हो जाएगी 27 तारीख को। ये बताइए कि जो है अभी जो बीजेपी के जो केंद्रीय वाले नेता हैं उनको भी विधायक का टिकट मिल गया है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि डर गए हैं इसलिए जो उतार रहे हैं। वे सब कहते हैं भाजपा का काम कर रहे हैं, सब जीतेंगे, सबके मिनिस्टर बनेंगे। हाँ, जो प्रदेश सरकार जो भाजपा ही बन जाएगी उसमें मिनिस्टर बनेंगे, वो सारे लोग जीतेंगे और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी उनका सहयोग लिया जाएगा। अच्छा, हाँ, ले रहे हैं सहयोग। क्या नाम हुआ? शोएब खान। हाँ शोएब खान भाई, क्या हाल चाल? जज्जी भैया जिंदाबाद। सीधा जिंदाबाद। हाँ, हमारे तो जज्जी भैया जिंदाबाद। हाँ, इतना क्या काम कर दिया है भाई? हमारे विधायक जैसा किसी ने काम नहीं किया जब तक। हाँ, इतने बन गए जितने जब तक हमारे विधायक ने काम किया है। कांग्रेस वाले तो कर रहे हैं मुसलमानों पर। अरे कांग्रेस का हो 70 साल लूट लो जैसे कांग्रेस ने लूट लिया। हाँ, अच्छा, हमारे जज्जी भैया जिंदाबाद। हाँ, क्या क्या बढ़िया काम लग रहा है? हमारे भाई साहब ने एक नंबर काम किया, कोरोना में काम एक नंबर किया, सब एक नंबर काम हुआ उनके राज में, एक नंबर हुआ। हम गरीब लोग कभी परेशान नहीं हुए भाई साहब के राज में। अच्छा, और हमारा नगर पालिका अध्यक्ष भी नहीं है मनोरिया भाजपा का, उसके राज में भी हम परेशान नहीं हुए। अच्छा, तो फिर कांग्रेस वाले कहते हैं? अरे कांग्रेस क्या है, कांग्रेस तो फालतू चिल्लाती रहती है, हर कभी चिल्लाती रहती है। हाँ, राहुल गांधी को बड़ी चिंता है। अरे राहुल गांधी है चिल्ला दो, राहुल गांधी सुन कौन रहा है? सुन ही नहीं रहे हो, फालतू घूम रहा है, घूम दो। अरे वो सांसद है भैया। अरे होन दो, सांसद देंगे तो बात होने का है। हाँ, जज्जी भैया जिंदाबाद है हमारे, जज्जी भैया जिंदाबाद। हाँ, कुछ बोल दो यार कांग्रेस के बारे में। नहीं कांग्रेस नहीं, हम तो जज्जी भैया जिंदाबाद नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की चुनावी यात्रा कवर कर रहे हैं, लोगों की क्या कुछ राय है ये दिखाने की कोशिश थी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी जीतू, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।